हेलो दोस्तों, किसान भाइयों के लिए खुशखबरी हम बताने जा रहे हैं। जी हां भाइयों, सरकार दे रही है किसान भाइयों को 75,000 रुपये तक का कर्ज, लेकिन उसके लिए एक समय सीमा रखी गई है। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ सुने, 31 मार्च तक के आवेदन करने वाले सभी किसानों को उपलब्ध होगा फसली ऋण। जी हां भाइयों, जो मंत्री है आंजना, उन्होंने आज ही ये बयान दिया है। अगर भाइयों आपने 31 मार्च तक आवेदन किया है किसान फसल ऋण योजना के तहत, तो आपको 75,000 रुपये तक का कर्ज सरकार देगी। इसकी सारी जानकारियाँ हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, किस प्रकार आपको कर्ज मिलेगा वो सारी जानकारी, तो वीडियो अंत तक पूरा देखना। अगर आप भी किसान और कर्ज लेना चाहते हो तो तुरंत कमेंट करते अपना नाम और अपना पता, ताकि हम आपकी पूरी सहायता कर सके। तो चलो भाइयों स्टार्ट करते हैं। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि रबी के लिए 31 मार्च तक जितने किसानों ने सरकारी फसली ऋण के लिए आवेदन किया है, उन सभी को ऋण उपलब्ध करा दिया जाएगा। आंजना प्रश्नकाल में विधायकों के पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। तो भाइयों, किसानों के लिए खुशखबरी है, अगर आपने 31 मार्च तक आवेदन नहीं किया है तो तुरंत जाकर फसल के लिए आवेदन कर दें, जो फसल ऋण होता है 31 मार्च से पहले, तभी जाकर आपको ये लोन मिल पाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा प्रति किसान 50,000 रुपये ऋण के रूप में देने के लक्ष्य रखा गया था, जिसे 25% बढ़ाकर 62,500 रुपये किया गया था, और वर्तमान में यह सीमा 50% बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है। यानी कि भाइयों, जो किसानों को ऋण का जो लोन मिलता था वो पहले 50,000 मिलता था, उसको बढ़ाकर सरकार ने 75,000 रुपये का लोन आपको मिल जाएगा। उन्होंने बताया कि धीरे धीरे ऋण सीमा को बढ़ाकर किसान की साख सीमा के अनुसार ऋण देने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भूमि विकास बैंक 500 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है, यदि सरकार को संसाधन मिल जाएंगे तो बैंकों का समायोजन करके आगे बढ़ने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा 16,000 करोड़ रुपये का फसली ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया था, जो संसाधनों की कमी के कारण पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन सरकार इसके लिए संसाधन जुटा रही है। उन्होंने कहा कि उदयपुर जिले के किसानों को ऋण नहीं मिलने की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, और जितने आवेदन प्राप्त हुए हैं उन सभी को ऋण उपलब्ध करा दिया गया है। इससे पहले विधायक पानाचंद मेंगवाड़ के मूल प्रश्न के जवाब में उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में सरकार द्वारा राज्य सरकारी बैंक के माध्यम से प्रदेश के पात्र किसानों को 16,000 करोड़ का अल्पकालीन फसली ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया था। किसानों की संख्या के लक्ष्य पृथक से निर्धारित किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि सरकारी बैंक द्वारा राज्य में अल्पकालीन फसली ऋण वितरण के लक्ष्य केंद्रीय सरकारी बैंकवार ही आवंटित किए जाते हैं। उन्होंने केंद्रीय सरकारी बैंकवार आवंटित लक्ष्य का वितरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने साथ में यह भी बताया कि 2019-20 में सरकारी बैंकों द्वारा खरीफ 2019 की फसल थी, उसमें 18.20 लाख कृषकों को 4,583.83 करोड़ रुपये दिए गए थे लोन के लिए। साथ ही रवि 2019-20 में गत 5 मार्च तक 15.29 लाख किसानों को 4,442.50 करोड़ रुपए का फसली ऋण स्वीकृत कर किसान के खाते में जमा कर दिए गए हैं। उन्होंने जिलेवार संख्या का विवरण सदर के पटल पर रखा है। तो भाई, ये तो रही उनकी सारी की सारी बातें। अब आपके लिए खुशखबरी है कि आप, अगर आपने अभी तक लोन के लिए आवेदन नहीं किया है फसल ऋण के लिए, तो 31 मार्च से पहले तुरंत कर दें, ताकि आपके खाते में 75,000 रुपए का लोन मिल जाएगा। यह एक सीमा रखी है कि जो किसान भाई भी 31 मार्च तक आवेदन करेंगे फसल ऋण के लिए, उन सभी को 75,000 रुपये तक का लोन दिया जाएगा। तो भाई, आपसे विनती है वीडियो को शेयर कर देना, ताकि राजस्थान के साथ साथ पूरे देश के किसानों तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो भाई, आपसे निवेदन है वीडियो को शेयर जरूर करना, फेसबुक और व्हाट्सएप सभी जगह। तो भाई, वीडियो मित्रा ही, जय हिंद जय भारत।